Assalamu alaikum student, how are you? I hope you'll be fine. Today we are going to start our lecture number 4 of science. Take out page 109. Yes students, इससे पहले आप देख चुके हैं what is the composition of water, what is the importance of water and what are the difficult form, physical forms of water. Today we will deal with the water as a universal solvent. Yes, water as a universal solvent. What is a solvent? The liquid in which we dissolve something is called solvent. And what is a solute? The substance which is dissolved in the liquid is called solute. For example, when we make the solution of salt, salt is dissolved in water and the product is the solution of salt. In this case, salt is a solute, water is a solvent, and the product is the solution of salt. Jo substances water ke andar dissolve ho jate hain, we are called them, they are soluble in water. For example, salt, sugar, vinegar, juices, oxygen gas, and carbon dioxide gas, all are soluble in water. They are called water soluble substances. But the substances which are not soluble in water, they are called insoluble. Mean they are not, they cannot be dissolved in water. For example, wood, sand, oil, paper, all are called insoluble. They are called insoluble materials. Yes, students, making a solution is a physical change. एक फिजिकल चेंज क्या होती है? द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज में हम प्रोडक्ट को वापस उसकी रिएक्टेंट की फॉर्म में नहीं ला सकते, जबकि फिजिकल चेंज में हमने वापस ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें, वाटर वेपरेट कर जाएगा और बाकी सॉल्ट रह जाएगा. और जो वेपरेटेड वाटर है, अगर हम उसको कंडेंस करेंगे तो हम लिक्विड फॉर्म में वाटर वापस हासिल कर लेंगे. एनी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. इसमें उसके कंपोनेंट अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल कंडीशन जो होती है, उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है, वो चेंज नहीं होती. देन व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी आप जैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब किसी सब्सटेंस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. बट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर. मीन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो कि जो भी उस वक्त हो, जिस वक्त हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस टेम्परेचर पे 100 ml ऑफ वाटर में जितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिजोल्व हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट. अगेन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर. बट ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. मीन्स आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं. आप एक ग्लास, एक बर्तन में, एक पॉट में पानी लें, उसमें कुछ नमक डालिए, उसको स्टर कीजिए. जब वो रिजोल्व हो जाए, इतना उसमें मज़ीद डालिए यहाँ तक कि वो रिजोल्व होना रुक जाए. मींस नीचे सॉल्ट बैठना शुरू हो जाए, इसको कहेंगे इसकी लिमिट हो गई. अब अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो वो जो सॉल्ट नीचे बैठ गया था, वो भी रिजोल्व हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा. मीन्स वो भी कंज्यूम हो गया सोल्यूशन मेकिंग में. इससे ये आपको पता चलता है कि जैसे ही हम लिक्विड को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर राइज होता है, तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है. अब हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. फॉर एग्जांपल, फॉर प्लांट्स, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉइल. अगर सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं होंगे तो रूट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी. मीन्स वो मिनरल्स उनके लिए यूजेबल नहीं होंगे. इसी तरह से फूड फ्रॉम द लीव्स विच इज मेड बाय फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. इसकी सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंस एक्वेटिक लाइफ के लिए भी क्या है. जो फ्रिश फिश आप जानते हैं, वो ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर थ्रू द गिल्स. अगर ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी तो उनके लिए सांस लेना मुमकिन ही नहीं होगा. अगेन, एक्वेटिक प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है, वो भी वाटर के में सॉल्यूशन की फॉर्म में उनको प्रोवाइड की जाती है. अदरवाइज वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे.
इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनमें हम डिजोल्व करते हैं, जिससे उनका टेंजी टेस्ट आता है। सोलबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ फिनोमिना, और इन अदर वर्ड वी कैन से द एक्वेटिक लाइफ डिपेंड ऑन दिस फिनोमिना ऑफ सोलबिलिटी। देन एक और इसमें है पॉइंट कि सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स जब हम किसी भी सोल्यूशन ऑफ गैस एंड वाटर को हम हीटअप करते हैं तो जो गैस उसके अंदर डिसवॉल्व होती है वो एस्केप आउट कर जाती है। इसका आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि जब आप किसी भी जब वाटर को आप हीटअप करते हैं तो उसके अंदर से बबल्स निकलते हुए आपको नज़र आते हैं। ये बबल्स जो होते हैं ये उसके अंदर डिजोल्व्ड एयर है जो कि एस्केप कर रही होती है। कुछ आप ये भी देख सकते हैं टेम्परेचर आपकी, ये देखिए आपकी बुक में एक टेबल दिया गया जिसमें कुछ सब्सटेंसेस की सोलबिलिटी 825 डिग्री सी पर दी गई है। शुगर की 204 ग्राम्स पर 100 ml एट 25 डिग्री सी है। कॉमन सॉल्ट 36 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी। अमोनियम क्लोराइड की 39, कॉपर सल्फेट की 23 एंड आयरन सल्फेट की 29 है। सो स्टूडेंट, ये आपका आज का लेक्चर था। आपने इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। इनको आपने लर्न करना है और अपनी नीट कॉपीज पे राइट डाउन करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।